बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम Y33 टी खोल रहे हैं मोबाइल, जो कि वीवो का मॉडल है और ये Y33S की जगह है। Y33S और Y33T जो है ना, ये सेम एक ही मॉडल है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कलर जो है कंपनी ने चेंज करके इसे एस से टी बना दिया है। उसमें जो है ना Y33S में जो कलर आते थे, वो एक कलर आता था ब्लैक कलर और एक कलर आता था ऐसे क्रिस्टल टाइप, ये चीज़ ये है Y33S, ठीक है ना। अब इस कलर को सिर्फ उन्होंने गोल्डन कलर कर दिया और उसका नाम रख दिया Y33T। ये हम अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे एक प्यारे दोस्त हैं जिया भाई, ये हम उनके लिए अनबॉक्स कर रहे हैं। तो रेट इसका है जी 44,000 रुपये। तो आज आपको पता है चांद रात है और हम ये ओपन कर रहे हैं इसको, मोबाइल को जिया भाई के लिए। जिया भाई जो होते हैं वो हमारे भाई हैं, जो कराची के हैं भाई, और यहाँ पर आज ईद मनाने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा कि जी मोबाइल चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गए जी मोबाइल चेंज करने। उनके पास जो पहले मोबाइल था वो ये है। तो ये देखें यार, हिम्मत है इस बंदे की, मैं कहता हूँ 21 तोपों की सलामी दें इस बंदे को जो ऐसा मोबाइल चला रहा है, ठीक है ना। और वो भी दोस्तों के कहने पे कि यार मोबाइल चेंज कर लो, तो उन्होंने मोबाइल चेंज किया। तो हम इसे अनबॉक्स कर रहे हैं जी। ये जी अनबॉक्स किया, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी चार्जर पे। 18 वाट का चार्जर दिया हुआ है जी। ये सी टाइप की केबल है और साथ दी हुई है हैंड फ्री। आजकल आपको पता है जी, सब कंपनियों ने हैंड फ्री गैप कर दिए। अब तो हालात ये हुआ कि जो है ना, सैमसंग ने चार्जर गैप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब चार्जर भी नहीं आ रहे, उसमें सिर्फ केबल डाटा केबल दे रहे हैं। और आईफोन का तो आपको पता ही है कि उसके साथ तो वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और वो वक्त दूर नहीं है जबकि ये वीवो ओप्पो वाले भी खत्म कर रहे हैं। और देखें जी, ये बहुत ही प्यारा कलर है, कितना प्यारा कलर दिया हुआ इन्होंने Y33। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर दिया हुआ है। पहले जो Y33S में थे वो कलर इतने मज़े के नहीं थे, ब्लैक कलर। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन ये कलर जो है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें जी ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये है जी, ये पाउच देख लें पहले जी। ये बहुत ही सिलिकॉन पाउच दिया हुआ है, जो कि पहले भी देते आए हैं और अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और ये लगाना चाहिए, मतलब ये जो है ना मोबाइल को डैमेज नहीं करता बिल्कुल। इसके ऊपर प्रोटेक्टर ऑलरेडी लगा होता है, ये ऑन कर दिया मैंने, साइड फिंगर दिया हुआ है जी। ये जी Y33 ठीक ही कॉन्फ़िगरेशन ये कि 50 मेगापिक्सल जो है बैक कैमरा है और 16 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैम है और 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है साथ। यही है जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और क्या बताएं। प्रोसेसर वो आप खुद गूगल मार के सर्च मार लीजिएगा, जो भी है Y33S वाला ये सेम, ठीक है जी। ये जी हमारी दुआ है कि अल्लाह जो है ना, ये जिया भाई के नसीब में करे। बेचारे ने अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने साल चलाने वाले हैं। और ये जो है ना वीवो ओप्पो, ये लॉन्ग टाइम जो है ना बर्दाश्त कर जाते हैं, ये काफ़ी मुद्दत, ये 5-6 साल उम्मीद है इनका निकाल जाएगा जी। और 4GB 8GB रैम है इसकी, और 4GB जो है एक्सटेंडेड रैम है, मतलब 12GB रैम हो जाती है। अब ये पता नहीं क्या सीम है एक्सटेंडेड रैम का, ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। और 128GB बिल्टन है, डुअल सिम का ऑप्शन है, और साथ जो है आप इसमें कार्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जिया भाई खड़े हैं साथ हमारे, जो कि हम इनसे पूछते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं अनबॉक्स करके। बस जी ये अनबॉक्स किया है और इनकी ईद भी अच्छी गुजरेगी, दोस्तों के साथ सेल्फीज बनाएंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे, क्या अपना क्या पिक्चर बनाएंगे और ईद को एंजॉय करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनके नसीब में करे कोई 8-10 साल निकाल जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया। आपका अपना मलिक सालिक।